आपके लिए दुआ करें या आपके प्यारे को आप तक लाने के लिए आपकी हेल्प करें तो ज़रूर हमसे जो है रब्ता करें, इंशाल्लाह आपकी भरपूर मदद की जाएगी। आज का वजीफ़ा भी आप ही की पसंद का है, लेकिन वजीफे से पहले सबसे प्यारी अहदीस की तरफ चलते हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो शख्स कोई मस्जिद बनाए और बनाने में माल खर्च करे या जान की मेहनत खर्च करे, दोनों ही इसमें आ जाते हैं। जैसा कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मस्जिद बनाते वक्त खुद कच्ची ईंटें उठाना, ये नहीं कहा कि आप ईंटें लाकर लगा दो, कच्ची ईंटें उठाना ख्वाह वो परिंदे के घोंसले के बराबर ही क्यों ना हो, ईंट उठाना तो उसके घोंसले के बराबर ही क्यों ना हो, इतनी छोटी सी यानी कि कोई पत्थर भी उठा के साइड पे मस्जिद का रख देना, तो अल्लाह ताला इसके लिए जन्नत में एक घर बना देता है। तो इसलिए आपसे इतनी सी गुजारिश की जाती है कि आप, जैसा कि हमने आपको पहले भी बताया कि फातिमा, जैसे ये हमारा मदरसा है फातिमा दिल बनात, तो जो हमारा जरे तमीर मदरसा है वो आयशा है, आयशा सदीका, ठीक है ना। तो आप आयशा सदीका दिल बनात में हिस्सा ले सकते हैं, ठीक है, उसको उसकी तामीरात में हिस्सा ले सकते हैं क्योंकि वो ज़रे तैमीर है, तो वहाँ पर भी आप हिस्सा ले सकते हैं। बेशक एक पत्थर का ही लें, बेशक एक ईंट का ही लें, वो अल्लाह पाक पर जो है अल्लाह पाक आपकी जो काविश है उसको कबूल करेंगे और क़यामत तक इसका अज्र अज़ीम भी मिलेगा और जन्नत में आपके लिए घर भी अल्लाह पाक अता कर देंगे। ये बस अल्लाह पाक की देन है, जिस जिसके नसीब में है वो उस तक पहुंच जाता है। इसी के साथ आज का वजीफा शुरू करते हैं, बहुत प्यारा वजीफा है, तो आप सिर्फ कदर जानिएगा। या वदू दो, या वदू दो, आज मैं इसका एक ऐसा अमल बताने लगी हूँ कि आप अगर जिस तरह बताया जाता है अगर उस तरह ये अमल करेंगे इंशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह आप जिसके लिए भी अमल करेंगे, ये मोहब्बत और चाहत और प्यार के लिए ये अमल किया जाता है कि कोई अपना रूठ गया है, कोई नाराज़ हो गया है, जैसे मियाँ बीवी का आपस में बहुत झगड़ा होता है, लड़ाई होती है, तलाक़ तक नौबत होती है, तो बनो तो ये तब भी आप कर सकते हैं, कोई और मसला हो, शादी का मसला हो, तब भी आप ये वजीफ़ा कर सकते हैं। एक कोरे कागज़ के ऊपर ना आपने या वदूदू कम अज़ कम 16 दफ़ा लिखना है, ठीक है, वो बेशक एक लाइन में लिख लें या फिर उसको नक्श की तरह तैयार कर लें, खानों में लिख लें, ठीक है। अब आपने उसको मतलब कि ना उसको लॉन्ग यानी लंबा जो उनसा है उसको बिल्कुल फीते की तरह बना लेना है, लंबा सा कागज़ बना लेना, ठीक है। और एक चिराग लेना है, उसमें आपने कम से कम 300 मरतबा विर्द करके तो आपने वो या वदूदू का जो नक्श है वो आपने जला देना है, या वदूदू का जो नक्श है वो आपने जला देना है, ठीक है। और जब आप नक्श मतलब कि जैसे ही आप नक्श जलाएं, अगर एक बात याद रखें, जो चिराग आप जलाएंगे या दिया आप जलाएंगे तो उसमें तेल कौन सा होना चाहिए, तेल उसमें जो है आप चमेली का तेल लें तो बहुत मोतबर है, तो सरसों का लें वो भी प्यारा है, लेकिन चमेली का लें तो वो भी ज़्यादा मोतबर है, क्योंकि मोहब्बत के लिए चमेली की खुशबू बहुत तेज़ होती है और वो उनके दिलों तक जैसे जैसे ही वो नक्श जलेगा लास्ट में आखिर में उतनी ही उसके दिल में आग लगेगी जिसके लिए आप वो अमल कर रहे होंगे, ठीक है। आप ये अमल 3 दिन बस कर सकते हैं, ज़्यादा आप किसी को तकलीफ़ नहीं दे सकते, सिर्फ 3 दिन तक, ताकि आपका प्यारा आप तक पहुंच जाए, उसको आपकी तलब महसूस हो, वो आपसे बात किए बगैर ना रह सके, इतना बेचैन हो जाए, तो ये वसीफ़ा ज़रूर करें। और इतवार वाले दिन करें, और कम अज़ कम या तहज्जुद के टाइम, फजर के टाइम, ईशा के टाइम आप करें, या मगरिब के टाइम भी आप कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है। अगर अब तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से अपनी बहन के चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली तमाम वीडियो बआसानी आपको मिल सके। आपको कोई भी मसला है, जादू जिन्नात असेब किसी भी किस्म का मसला है, घर में किसी भी किस्म की परेशानी है, रिश्तों की परेशानी, रिस्क की बंदिश, कारोबारी परेशानी, कारोबारी बंदिश, बाहर जाने का मसला, बाहर जाने की बंदिश, या किसी भी किस्म का घरेलू झगड़ा, परेशानी, इवन तलाक तक का मसला हो, तो अपनी बहन को याद करें और चैनल पे आके हमारे या फेसबुक पे आके हमसे बात करें, मैं इंशाल्लाह आपकी भरपूर मदद करूंगी। किसी भी किस्म का झगड़ा है, किसी भी किस्म की शादी का मसला है, बच्चों की शादी का, प्यार का, मोहब्बत का, किसी भी किस्म का, अपने प्यारों को पाने का, किसी भी किस्म का मसला है, अपनी इस बहन को याद करें, इंशाल्लाह आपकी भरपूर मदद की जाएगी।
और अहादीस को फैलाएं, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मती होने का फ़र्ज़ निभाएं। अगर आप को हदीस सुनते हैं और इसको आगे भेज देते हैं, इससे हो सकता है कि आपकी पूरी नस्लें सवर जाएं, आपकी आल औलाद और आने वाली नस्लें इस हदीस का फ़ायदा उठा सकती हैं। लोगों तक जितनी भी मेरी वीडियोस हैं वो पहुंचाएं ताकि उनको अहादीस सुनने का मौका मिले। जो मैं परेशानी आपकी हल करने के वसाइफ बताती हूँ, अमल बताती हूँ, वो भी लोगों तक पहुंचेंगे और लोगों की मदद होगी। और एक इंसान की जान बचाना या परेशान हाल एक इंसान की परेशानी को ख़त्म करना ऐसे है कि जैसे पूरी दुनिया की खलकत की परेशानी को ख़त्म करने के बराबर। जज़ाकअल्लाह खैरा। अगर अब तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से अपनी बहन के चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली तमाम वीडियो आसानी आपको मिल सके। आपको कोई भी मसला है, जादू जिन्नात असेब किसी भी किस्म का मसला है, घर में किसी भी किस्म की परेशानी है, रिश्तों की परेशानी, रिस्क की बंदिश, कारोबारी परेशानी, कारोबारी बंदिश, बाहर जाने का मसला, बाहर जाने की बंदिश, या किसी भी किस्म का घरेलू झगड़ा, परेशानी, इवन तलाक तक का मसला हो, तो अपनी इस बहन को याद करें और चैनल पे आके हमारे या फेसबुक पे आके हमसे बात करें। मैं इंशाल्लाह आपकी भरपूर मदद करूंगी। किसी भी किस्म का झगड़ा है, किसी भी किस्म की शादी का मसला है, बच्चों की शादी का, प्यार का, मोहब्बत का, किसी भी किस्म का, अपने प्यारों को पाने का, किसी भी किस्म का मसला है, अपनी इस बहन को याद करें, इंशाल्लाह आपकी भरपूर मदद की जाएगी। और अहदीस को फैलाएं, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मती होने का फ़र्ज़ निभाएं।